दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त रघुवीर दैया। आप देख रहे हो मेरा चैनल माय चतुर्वर्ग। दोस्तों मैं मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको पुराने कुर्ते का नाप लेकर नया कुर्ता हिसाब से कटिंग करते हैं, कटिंग करने का आपको तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरे पास में पुराना कुर्ता है, मैं इसी नाप के हिसाब से, इसी मेजरमेंट के हिसाब से आपके सामने नया कुर्ता काटूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नाप से अवगत करा देता हूँ और आपके सामने मेजरमेंट इसका ले लेता हूँ। दोस्तों मेजरमेंट में इसकी लंबाई आ रही है 35 इंच, तो ये लिख दिया मैंने 35 इंच। और अब मैं इस कुर्ते को उल्टा कर देता हूँ। दोस्तों ये कुर्ता हो गया उल्टा। अब यहाँ से इस बराबर जस्ट मुड्डी के नीचे से नाप करेंगे हम। ये यहाँ से निकलेगा सीना। अब सीने में से कुर्ता हमें तैयार रखना है 19.5 इंच। ये बराबर परफेक्ट 19.5 इंच आ रहा है, तो 35 इंच लंबा सीने में से रखेंगे हम 19.5 इंच। और अब जो साक और सेंटर है ये यहाँ से रहेगा पेट। पेट में से कितना रखना है, पेट में से रखना है इसको हमें 17.5 इंच। ये देखिए दोस्तों 17.5 आ रहा है, सीने में से 19.5, पेट में से 17.5। अब रहेगी सीट में से। अब वापस इसको हम उल्टे को उल्टा कर दिया हमने। ये हो गया उल्टा। अब सीट में से हमें कितना रखना है, ये सीट की जगह से अब सीट में से दोस्तों 19.5 इंच से सीने के बराबर सीट है, तो हम यहाँ 19.5 इंच लिख देते हैं। अब ये दोस्तों कॉलर वाला गला है, तो कॉलर वाले गले में हमें जितना शोल्डर है उसी हिसाब से हम शोल्डर काटेंगे। दूसरा गला होता तो शोल्डर हम कम काटते हैं, और नहीं तो फिर जितना शोल्डर इसमें लगा हुआ उसी हिसाब से हम शोल्डर इसका लेंगे। जो कॉलर वाला तो इसमें गला ढलता नहीं है, बराबर फिक्स रहता है, तो 16 शोल्डर है, 16 शोल्डर रखेंगे हम। अब शोल्डर के बाद में बाजू, बाजू की लंबाई 16.5 इंच है, तो 16.5 लेंगे हम परफेक्ट। और अब देखेंगे बाजू की मोरी। दोस्तों ये हो गया 9 इंच, मतलब 4.5 का डबल हो गया 9 इंच। अब दोस्तों गला गिराई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना होता है, और यदि सेम बनाना होता हो तो भी इसको हम बना सकते हैं। सेम बनाना हो तो फिर कितना लंबाई नीचे तक कितना खुला रखा, ऊपर से पट्टी कितना इंच की लगी, ये सब हमें मेजरमेंट में लेना होता है। परंतु मेरे को ये गला नहीं बनाना, इसलिए मेरे को इस मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको उसी सब का गला बनाना हो तो आप मेजरमेंट ले सकते हो। ये 8 इंच लगभग तक नीचे पट्टी गई है, और ऊपर ये कितनी पट्टी लगी ये भी आप मेजरमेंट में ले सकते हो। ये पट्टी लगी हुई है 14.5 इंच की। तो दोस्तों इस ये हो गया मेजरमेंट। अब मैं इस मेजरमेंट के ऊपर कटिंग संपन्न करता हूँ। दोस्तों सीधा कपड़ा बराबर बैठ रहा हो तो हम सीधे कपड़े में काटेंगे, ठीक है। 37.5 इंच ये आ रहा है, और 35 इंच लंबाई रखना, तो बराबर है, डबल में ये बराबर पूरा हो रहा है। कपड़ा उल्टा सीधा देख लें। अब दोस्तों 19.5 इंच सीने में से रखना मेरे को, तो मैं 1.5 इंच एक साइड का मार्जिन एक्स्ट्रा रखता हूँ, तो 1.5 2 3, 1.5 का डबल 3 इंच हो गया 3 इंच, और 19.5 प्लस 3 22.5 इंच कपड़ा मेरे को चाहिए, तो 12.5 का डबल हो गया 111 इंच। तो 111 इंच का मैं एक पट्टी जमाऊँगा, 111 इंच आगे व पीछे के दोनों पार्ट में साथ में जमा लेता हूँ। दोस्तों ये जम गया। दोस्तों जो नीचे वाला फोल्डिंग के लिए जो मैंने 1 इंच कपड़ा ले लिया, नीचे वाला फोल्डिंग के 1 इंच कपड़ा लेने के बाद में ऊपर जितनी हमें लंबाई रखना होता है वो लंबाई हम रखेंगे, और उसमें 0.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। तो दोस्तों 35 इंच रखना, तो मैं 35.5 इंच का कपड़ा ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने 35.5 इंच परफेक्ट ये कपड़ा ले लिया।
अब दोस्तों नॉर्मली मुड्डा उतारने के लिए नॉर्मली साइज लगभग 32-34 इंच तक की साइज हो तो 6 से 6.5 इंच का मुड्डा उतरता है, और उसके बाद में यदि हैवी हो तो फिर 7 इंच का मुड्डा उतारा जाता था। दोस्तों मैं इसमें अभी 6.5 इंच यदि सिटी के हिसाब से हो तो फिटिंग पहनता हो तो फिर 6 इंच का मुड्डा ही उतारना होता है, और फिटिंग नहीं हो तो फिर ये ग्रामीण हिसाब से है तो दोस्तों मैं 6.5 इंच का मुड्डा उतारूंगा और उसमें ऊपर आधा इंच की ढाल दे दूंगा तो दोस्तों ये 6 इंच का मुड्डा रहेगा। तो दोस्तों मैं 6 इंच पे मार्क करता हूं, और दोस्तों साइड के लिए हम साइड कट के लिए पहले से साइड नाप लेंगे ये पुराने कुर्ते की कि सीट में साइड कितना लिया है ऊपर से। तो दोस्तों ये ऊपर से 23 इंच है, टोटल 23 इंच पे साल का निशान है साग का। तो दोस्तों मैंने 23 इंच पे मार्क कर दिया, अब मैं 23 का अदा करूंगा और पेट का निशान बनाऊंगा। तो ये 16.5 है, 16.5 तो 8 पे मैं पेट का मार्क कर देता हूँ। अब दोस्तों सभी निशानों को मैं सीधी स्किल की सहायता से सीधा कर देता हूँ। अब दोस्तों सीने में से रखना 19 इंच, 19.5 इंच, तो ये रखा मैंने 10.5 इंच और 1.5 इंच, और पेट में से रखना मेरे को 17.5 इंच, तो ये 17.5 हो गया, 17 और 9.5 मतलब 9.5 का डबल हो गया 17.5, और यहाँ भी रखेंगे हम 100 इंच एक्स्ट्रा, और सीट में से भी हमें रखना है 19.5 इंच, तो 19.5 10.5 इंच, और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से 10.5 है तो नीचे से भी हम 10.5 इंच रखेंगे परफेक्ट, और 1 इंच मार्जिन का लेंगे ताकि साल आएगी बराबर। अब दोस्तों ऊपर शोल्डर के लिए, तो शोल्डर हमें रखना है 16 इंच परफेक्ट, और तो फिर मार्जिन हम साथ में रखेंगे तो आधा आधा इंच दोनों साइड मार्जिन चला जाएगा, तो फिर वो मार्जिन के हिसाब से 17 इंच हमें रखना होगा। ये 17 इंच पे मैं मार्क कर देता हूँ। अब दोस्तों 2 इंच का गड्ढा देंगे हम, जहाँ तक मैंने 19.5 इंच परफेक्ट रख दिया, 10.5 इंच उसका 2 इंच हम गड्ढा रखेंगे, और 2 इंच का गड्ढा लेते हुए ये मुड्डे का निशान मैंने बना लिया। अब दोस्तों गले की डिजाइन कस्टमर की इंसानुसार या फिर आपकी इंसानुसार आप बना सकते हो, जो कस्टमर की सोई सोच से सबसे आप बनाते हो तो आप बना सकते हो, नहीं तो ये मेजरमेंट बैठ गए। अब गला किस हिसाब का बनाना है तो उस हिसाब से बनेगा। यदि गला आप आगे पीछे से पूरा खुला काट रहे हो, कॉलर नहीं लगा रहे हो, तो फिर गला लगभग 13-14 इंच से ज़्यादा शोल्डर नहीं होता है। इसमें शोल्डर 17 इंच का, तो ये गले में पट्टी लगेगी, कॉलर वाला गला है तो इसमें मैं डिजाइन आगे डिजाइन वाला बनाऊंगा, तो दोस्तों ग्रह की जरूरत उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो दोस्तों अब बाकी मैं सभी मार्कों को राउंड कट स्किल की सहायता से मिला लेता हूँ। यहाँ सिलाई राउंड में आएगी, तो राउंड कट स्केल के सहायता से निशानों को मिला लिया मैंने। और आगे साल सीधी रहेगी तो सीधी स्केल सीधी साइड से मिला लिया। दोस्तों पीछे वाला और आगे वाला पार्ट यहाँ तक बराबर कटेगा, मुड्डे तक यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट कटेगा, उसके बाद में थोड़ा चेंज होगा तो ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों नीचे से कैंची की सहायता से कटिंग संपन्न करता हूँ।
दोस्तों यहाँ तक कटिंग बराबर हो गई। अब आगे वाला पार्ट जिसमें के दोनों पार्ट है वहाँ इस निशान के ऊपर ऊपर कटिंग होगा। अब पीछे वाला पार्ट अलग कटेगा यहाँ से, इस निशान तक तो बराबर काट लिया दोस्तों। निशान तक बराबर काटने के बाद में अब पीछे वाला पार्ट आगे वाले पार्ट से ज्यादा रहेगा। ऐसे ये लगभग आधे से पौने इंच आगे वाला पार्ट कम ज़्यादा कट गया, पीछे वाला कम कट गया। और यहाँ से आधे इंच की मैंने ढाल दे दिया। अब दोस्तों इसमें ये पट्टी वाला गला बनाना है, तो इसमें आगे ये पट्टी लगेगी ऐसे राउंड में, ये आगे ऐसे पट्टी लगेगी और ऊपर लगेगी कॉलर। अब दोस्तों यहाँ से मैंने कट कर लिया, आप अपने इंसानुसार डिजाइन गले का दे सकते हो। अब दोस्तों बाजू कटिंग, दोस्तों 6 इंच का 6.5 इंच का मुड्ढा था, उसमें आधा इंच का ढाल दे दिया, तो फिर 6 इंच का मुड्ढा है, तो इसमें मैं अभी 7 इंच का बाजू कटूंगा, 7 और 1.5 इंच रखूंगा मैं एक्स्ट्रा मार्जिन, और 3.5 इंच का दूंगा मैं ढाल, 4 मीटर की टन दूंगा कट। अब दोस्तों बाजू की लंबाई हमें रखना है 16.5 इंच, तो यहाँ रखेंगे 17 और 1 इंच रखेंगे हम नीचे की फोल्डिंग का। दोस्तों तो नीचे की फोल्डिंग का निशान बना लिया। अब मोरी हमें रखना 9 इंच, तो 9 का डबल हो गया 4.5 डबल 9, और 7 इंच हम रखेंगे एक्स्ट्रा। जितना हमें मुड्ढा उतारा उससे हम एक इंच बाजू एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि बिठाने में कोई समस्या ना हो, बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए। यदि बराबर बाजू काट लिया तो फिर बैठेगा नहीं, क्योंकि बाजू मुड्ढे से ज़्यादा कटते हैं। दोस्तों इसमें भी आगे वो पीछे का भाग कम ज़्यादा कटेगा, आगे वाला पार्ट में ज़्यादा टन आएगा छंट और पीछे वाले पार्ट में कम आएगा। दोस्तों अब इस जगह पे मैं टुक लगा लेता हूँ, यहाँ की बाजू बैठेगी। दोस्तों इसी के साथ में ये कुर्ता कटिंग संपन्न हो गया। यदि दोस्तों मेजरमेंट लेके पुराने कपड़े से कुर्ता काटने का तरीका आपको मेरा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो संपन्न हुआ। जय हिंद, जय भारत।